अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ग्रेड टेंथ? आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम्स। आई एम योर ऑनलाइन टीचर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 13 एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। The major concepts that we are going to discuss in this chapter are types of coordination, human nervous system, receptors in humans, endocrine system, and then disorders of nervous system. Okay, बेटे, first of all, इस chapter में हम different type of coordinations देखेंगे, human nervous system देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जो हैं ह्यूमंस में वो देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद नर्वस सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब बेटे, हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में है, कोई एनिमल है या प्लांट्स हैं, उसमें जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ स्टोमिक रोल्स और स्टोमिक परफॉर्म्स द रोल्स इन डाइजेशन, जब भी हम स्टोमिक की डाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में स्टोमिक आ जाता है, लेकिन उसमें जस्ट स्टोमिक इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें आपका पूरा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं बेटे, देन हम हार्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या हार्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्कुलेशन का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? नो, विदाउट आर्टरीज veins and capillaries are without blood vessels, heart cannot perform its function well. इसी तरह बेटे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं ये होते हैं टिश्यूज और ऑर्गन्स के वर्क करने से। दे वर्क together performing their many tasks as the needs of the whole body. अब जितने भी organs और tissues हैं वो आपस में coordinate करेंगे, then वो work perform करेंगे, और उसके बाद जो आपकी पूरी body की जो need है उस work को करने की वो satisfy हो जाती है। This means that these activities are coordinated. ये जो activities हैं ये coordinated हैं। Coordination क्या करता है? Also enables the organism to respond to happenings in the world around it. Coordination क्या करता है? Organisms को enable करता है ताकि वो उस चीज़ को respond कर सके जो उसके इर्द गिर्द हो रही हैं। ठीक है बेटे, अब हम इसकी example देखते हैं coordination की। क्या example है? One familiar example of coordination is the way in which muscles work together during movement. Okay students, when you are doing a hard exercise or some other job, then the movement of your muscles is not only the action, your whole body is working during an exercise, your rate of breathing increases during the exercise, your heartbeat also increases. So student, when a player runs to catch a ball, he uses hundreds of muscles to move his arms, legs and back. जब एक प्लेयर जो है ना वो बॉल को कैच करने के लिए रन करता है तो उसमें वो अपने हंड्रेड्स ऑफ मसल्स जो हैं वो यूज़ करता है अपने आर्म्स, लेग्स और बैक को मूव करने के लिए। हिज नर्वस सिस्टम यूजेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन्स एंड कोऑर्डिनेट्स दीज मसल्स। अब जो नर्वस सिस्टम है वो उसका जो सेंस ऑर्गन है वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है
और देन वो मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है. ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम. अब ब्रेन के उस कोऑर्डिनेशन की वजह से आपके जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो करेक्ट सीक्वेंस में होती है, पावर और जो लेंथ ऑफ टाइम है वो भी करेक्ट होता है. बट डेट इज़ नॉट ऑल, सच एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व मैनी अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जाम्पल, ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट्स आर इंक्रीज्ड. अगर पता है जब आप तेज तेज चलते हो या भागते हो तो आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, आप तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हो एज़ कम्पेयर टू रेस्टिंग कंडीशन. तो आपके ये सारे प्रोसेस जो है वो फिर कोऑर्डिनेट होते हैं. ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट, हार्ट बीट रेट्स आर इंक्रीज्ड, ब्लड प्रेशर इज एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा हीट इज रिमूव्ड फास्ट फ्रॉम द बॉडी. तो फिर इन कंडीशंस में क्या होता है बेटे, ब्रीथिंग और हार्ट बीट जो रेट है ना आपका वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट होता है और जो एक्स्ट्रा हीट है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाती है. हाउ डज इट हैपन? लाइफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड, बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स कोऑपरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर. अब इसमें बॉडी जो है आपकी वो एज ए वन यूनिट वर्क करती है, जिसमें आपके डिफरेंट सिस्टम्स और ऑर्गन जो है वो कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो वर्क करते हैं करेक्ट सीक्वेंस से. ठीक है बेटे, आपने इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपने आपकी डेफिनेशन आ जाएगी अबाउट कोऑर्डिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ में आप डेफिनेशंस करोगे और सेकंड में आपकी एग्जांपल आ जाएगी कोऑर्डिनेशन की. ठीक है बेटे, अब इसके बाद आप ये एक बॉक्स देख रहे हो, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग आवर हैंड्स एंड फिंगर्स वर्क इन कोलैबोरेशन विद आवर मसल्स, आईज, थॉट्स एंड देन वेरी इंट्रिकेट मूवमेंट्स रिजल्ट. देखो बेटे, जब आप लिख रहे हो शो तो जस्ट ये होता है ना कि आपके हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, लेकिन क्या आप देखे बगैर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते. इस तरह से आपके जब आप लिख रहे होते हो आपके हैंड्स के, आपके आर्म्स के जो मसल्स हैं सारे वो वर्क कर रहे होते हैं. आप सोच के लिखते हो, अगर आप कोई चीज़ जुबानी लिख रहे हो जैसे आप पेपर कर रहे हो या टेस्ट कर रहे होते हो, उसमें आपके ब्रेन की भी वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरी जो है मूवमेंट वो पॉसिबल होती है. ठीक है बेटे, आई नो, आई थिंक दैट कोऑर्डिनेशन की जो डेफिनेशन है वो अब क्लियर हो गई होगी. तो हम बेटे नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में. ठीक है बेटे, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस कौन कौन सी हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिजम्स. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बेटे टू टाइप्स की हैं. वन जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन है, डेट इज़ ब्राउट अबाउट बाय आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है बेटे, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम के जरिए होता है. केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्राउट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम. केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है बेटे आपके, उसमें हमारे डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं उनको वो सिक्रीट करते हैं जहाँ पे भी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है. ठीक है बेटे, इसके एग्जांपल जो है, हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे डाइजेशन के प्रोसेस में बेटे हमारे स्टोमिक में HCL गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है. वो किस लिए सिक्रीट होता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ योर फूड और फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन योर डाइट. इसके अलावा बेटे इंसुलिन है हार्मोन जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है. ग्लूकागॉन हार्मोन्स हैं जब आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होगा, फिर इंसुलिन सिक्रीट होता है. ठीक है, ताकि आपके ब्लड की शुगर को नॉर्मल लेवल तक लेके आया जा सके. सेकंड, जब शुगर लेवल लो होता है ना ब्लड का, तो बॉडी में ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है ताकि जो एक्स्ट्रा शुगर स्टोर है लिवर में वो रिलीज हो जाती है और शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाता है. तो बेटे केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा रिलेटेड है डिफरेंट हार्मोन्स के साथ, कि कब आपकी बॉडी को किस हार्मोन की ज़रूरत है
और कौन सा हार्मोन जो है वो आपका, मतलब उसके टारगेट टिश्यूज कहाँ पे हैं, कहाँ पे उसकी ज़रूरत है, उसको बेटे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनिजम्स में। ये आपका बेटे असाइनमेंट में भी क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड होगा। तो बेटे टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनिजम्स में। वन नर्वस कोऑर्डिनेशन है जो नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। जो सेकंड है बेटे आपका वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। एनिमल्स हैव बोथ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स इन देयर बॉडीज, वाइल प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटे, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं ना, जैसे लार्जर एनिमल्स आ जाते हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उन सब में क्या है नर्वस और केमिकल, उसमें दोनों कोऑर्डिनेशंस होंगे, जबकि जो प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उसमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो बेटे आपको ये क्लियर है, अब टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेटे आपके ये ब्लू कलर में जो बॉक्स है उसको देखो, कोऑर्डिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ब्राउट अबाउट थ्रू केमिकल्स। अब जो कोऑर्डिनेशन है ना बेटे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल्स पे कंसिस्ट होते हैं ना, जैसे आपके वो बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कोऑर्डिनेशन उनमें भी होता है, उनके जो सिंगल सेल्स है ना, वो अपने एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलाई है उसको फील करके उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं केमिकल्स के जरिए। ठीक है बेटे, जो कोऑर्डिनेशन है वो यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर दोनों में होता है। इसके अलावा ये रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई को जो केमिकल्स के जरिए परफॉर्म किया जाता है। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया है आपका, लेक्चर जो 113 था, और इस यूनिट का, यूनिट नंबर 12 का, डेट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 1 था। तो अब आपने बेटे इसकी डेफिनेशन को, प्लस कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल एंड देन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। और आपने अपना जो असाइनमेंट्स है उससे रिलेटेड अगर इसमें से क्वेश्चन है तो आप उसको भी सॉल्व कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गॉड ब्लेस यू।